शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाले तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। ऐ सेवक, रूहानी मार्ग में राहबर को न छोड़ो, मन का कहना मत मानो और सद्गुरु देव की आज्ञा सत्य कर मानो। श्री सद्गुरु का ध्यान, श्री सद्गुरु के ध्यान का शस्त्र हाथ में लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करेंगे तो उसमें इतनी सामर्थ्य कहां जो आपके सन्मुख ठहर सके। श्री सद्गुरु ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, वे आपकी भावानुकूल ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। वे चतुराई से नहीं रिझते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वे आपके पास आए बिना भी न रह पाएंगे और बिना याचना किए ही स्वतः आपको सुख प्रदान करेंगे। यदि आप सद्गुरुदेव के ध्यान को न भुलावें और सदैव उन्हें याद रखें तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका आदि अंत ही नहीं है। यदि आप सद्गुरु का चिंतन करेंगे तो वे सर्वसमर्थ आपके सभी कार्यों की चिंता करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ही संभाल लेंगे। यदि आप सतगुरु जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उनका ध्यान व सुमिरन प्रेम से करें और आठोयाम उनकी पावन मूर्ति को दिल से विस्मृत न करें तथा उस छवि को हृदय सिंहासन पर विराजमान कर उन्हें दोनों कर जोड़ अनुनय विनय करें कि हे प्रेम के भंडारी, मुझे प्रेम प्रदान करो। मैं आपका हूं और आप ही मुझे अपना बना लीजिए। ऐ क्षमाशील पिता, मुझ भूले हुए को आप न भुलाना और निज सेवा में स्वीकार करना।